अमित शाह का जो जम्मू कश्मीर में बड़ा दौरा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक दुखद और बड़ी खबर सामने आई, जहां पर जम्मू कश्मीर की डीजीपी हेमंत लोहिया की हत्या से हड़कंप मच गया है। जी हां, बता दें लोहिया का शव उनके घर पर मिला। उनकी गला रेत कर हत्या की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले गला घोटा, बॉटल से उनका गला काटा और शव को जलाने की भी कोशिशें की गई। इसके अलावा उनके शरीर पर कई चोट भी हैं और जलने के निशान मिले हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली है। ये संगठन पिछले कुछ साल से जम्मू कश्मीर में एक्टिव है और आतंकी घटनाओं का अंजाम दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया ये भी जा रहा है कि लोहिया उदयवाला में दोस्त के घर पर थे। उनके साथ उनका नौकर यानी कि यासर भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि नौकर ने ही हत्या को अंजाम दिया है, इसके बाद वो फरार है। यासर जम्मू कश्मीर के रामबन का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक लोहिया का शव उनके घर पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला है कि सूत्रों के मुताबिक उनकी हत्या की गई है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि नौकर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू हो गया है। यहाँ खास बात यह है कि आज जम्मू कश्मीर में अमित शाह का अहम दौरा है। इसी बीच डीजीपी की मौत होना, उनकी गला रेत कर हत्या कर देना एक बड़ा मामला है, लेकिन आखिरी में देखना ये होगा कि कब तक आरोपी का पता लगाया जा सकता है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।